नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टच में। सो फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है, बट एक टेक्निकल वीडियो हम कह सकते हैं। मेरे ऑफिस का एक LED ये बल्ब खराब हो गया था। तो नॉर्मली इस तरह के बल्ब्स आप मार्केट से खरीदते हो और ये ख़राब हो जाते हैं, तो आप इनको फेंकिए मत फ्रेंड्स, ये इजीली रिपेयर हो जाते हैं। जो तो आप चाइनीज़ बल्ब मार्केट से लेते हो, सस्ते मिल जाते हैं, तो आप उनकी लाइट नहीं होती। जैसे ये भी एक चाइनीज़ है, तो क्यों? क्योंकि इसका ये जो रिफ्लेक्टर है ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। लेकिन जब आप कुछ कोई अच्छे ब्रांड का बल्ब लेते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली आपको मार्केट से मिलता है, तो उनको फेंकने के बजाय आप रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो टेक्निकल था और आपके फ़ायदे के लिए था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली इसको शुरू करते हैं हम, कैसे इसे खोलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ये ऊपर ढक्कन सा लगा हुआ है, मैंने खोल दिया। तो ये छोटी सी प्लेट इसमें लगी हुई है हमारी। चलिए पहले मैं इसको बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे इस पे ये लॉक फंसाए हुए हैं जिसमें ये फंसाई गई है। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो प्लेट है इसको मैं रिपेयर भी कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पर मैं इसको रिपेयर करूँगा नहीं। ये देखिए, सिंपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये फट चुका है। ये देखिए, 100 वोल्ट्स, 47 UF। तो ये कैपेसिटी है इसकी। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं जो IC टाइप, ये एक ब्रिज है और सिंपली दो तीन रजिस्टर लगी हुई हैं इसमें, तो कुछ खास नहीं है। ये चाइनीज़ प्लेट बहुत ही घटिया प्लेट है, तो इसको मैं रिपेयर नहीं करूँगा। अगर आपने रिपेयर करना है तो सिंपली एक तो ये कैपेसिटर चेंज करना है इसका, और देखते हैं इसका ब्रिज काम कर रहा है। तो हाँ, इसका ब्रिज ओके है, तो खाली कैपेसिटर चेंज करके प्लेट चल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट में आपको ये प्लेट इजीली मिल जाती है, तो ये मैं ले आया हूँ एक दूसरी। ये 20 रुपीज़ की 12 वाट का ये है, तो ये मिल गया। आप इसमें देख रहे हैं कि इस वाली प्लेट से ये ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज़ इसमें कोई फिल्टर विल्टर नहीं है। यहाँ पे IC लगा रखा है इन्होंने, और यहाँ एक रेक्टिफायर है और रजिस्टर्स लगा रखी हैं, और इसकी लाइट इससे बेटर होगी। तो ज़्यादा पंगा ना करते हुए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देखिए, सिंपल L और N ये लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना आपने। इसको जो वायर है, ये देखिए अंदर से वायर आ रही हैं, आप इनको भी खींच के खोल सकते हो, तो अभी हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे शोल्डरिंग कर देता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो जस्ट इसलिए बना रहा हूँ फ्रेंड्स कि कई सारे लोगों को मालूम नहीं है कि ये मिल जाता है या इसका ये रिपेयर हो जाता है। तो
तो वो जो कंपनी के बल्ब होते हैं, आप 150-200 रुपए का बल्ब खरीदते हो और फिर उसको फ्यूज़ होने पे फेंक देते हो, तो आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको शोल्डर कर देता हूँ, ये इसकी दूसरी वाली, इसको भी कर देते हैं। ये देखिए, कंप्यूटर लाइन से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ गए, फिर जस्ट इसलिए कि एक टेक्निकल वीडियो था। देखिए आप जब भी कोई छोटे छोटे फॉल्ट्स आप क्लियर करते जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने में, और एक डर नहीं होता, आदमी धीरे धीरे इन चीज़ों से सीख जाता है। जैसे कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉल्ट है, आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो लेकिन जब आप एक एलईडी बल्ब ठीक करते हैं तो उसके बाद आप बड़े फॉल्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने शोल्डरिंग कर दी है इस पर, ये शोल्डर हुआ नहीं है, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको शोल्डर कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निकल जा रहा है। तो ये शोल्डरिंग हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए, और इसको हम ऐसे इसी में ऐसे ही लगा सकते हैं इजीली, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको इसको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको चलाया है तो ये ऑन हो गया, बिल्कुल परफेक्ट लाइट है। तो इस तरह से आप कोई भी एलईडी बल्ब रिपेयर कर सकते हैं। मार्केट में ये सर्किट इजीली मिल जाता है, आप लेके आइए और इसको आप चेंज कर लीजिए। आपको अपने घर का कोई भी एलईडी बल्ब फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इजीली ये मार्केट में अवेलेबल होता है। और अगर आपने बल्क में लेने हो तो आपको और सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ये सिंगल पीस लिया था तो मेरे को ये 20 रुपीज़ का मिला। और अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पे तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा ये। तो इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, हाँ, एक बार मैं फिर से मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है, बिकॉज़ मैं सीरीज़ पे इसको चला रहा हूँ तो मुझे इस तरह से वायर कनेक्ट करनी पड़ रही है। ये देखिए, इसकी परफेक्ट लाइट, तो ये मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह से भैया आप कोई भी एलईडी रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो जस्ट इसलिए डाला है कि टेक्निकल था और एक घरों में यूज़ होने वाली कॉमन चीज़ है, और मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसको फेंक देते हैं। और ये जो तो चाइनीज़ हैं वो तो चलो ठीक है, सस्ता होता है, लेकिन कई बार आपके पास अच्छी ब्रांडेड एलईडीज़ होती हैं जो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती हैं, और 150-200 रुपए की आप मार्केट से लेते हो, 100 जो भी है, तो उसमें आप सिर्फ ये 10-20 रुपए का छोटा सा सर्किट मार्केट में मिल जाता है, ये डाल के अपनी एलईडी बल्ब को ओके कर सकते हो।
तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।